सबको मेरा जय जयेंद्र। मेरा नाम नैना बेन मुकेश भाई शाह है। मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। मेरी उम्र 66 है। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है परोपकार। परोपकार का अर्थ क्या है? पर माने उपकार, दूसरों को पर उपकार करना, वो मैं आज आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक बूढ़ी औरत थी, वो बहुत गरीब थी। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ पैसा नहीं थे। उसको एक लड़का था, वो लड़का का नाम राजेंद्र था। राजेंद्र अपनी माँ से पूछता है, माँ माँ हम लोग इतना क्यों गरीब है? माँ बताते है, बेटा उसका उत्तर तो मेरे पास कोई नहीं। तू जा और अपना जो गुरु है, जो हमारा मुनि महाराज है, उसको पूछ के हमें वो आपका शंका का समाधान करेंगे। वो राजेंद्र धीरे धीरे चलने लगा। रात हो गई तो एक जो रात को टाइम हवेली में सो गया। फिर सुबह में उठा तो सेठानी ने पूछा, बेटा तू इतना जल्दी कहाँ जा रहा है? तो वो राजेंद्र बोलता है, सेठानी जी मुझे एक शंका का समाधान करने के लिए मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूँ। तो सेठानी बोली, अरे बेटा मेरा भी एक क्वेश्चन है, वो भी पूछ के आना। मेरा ये सवाल है कि मेरी एक लड़की है, वो जन्म से कुछ बोलती नहीं है और सुनती नहीं, वो कब सुनेगी, वो पूछ के आना। तो राजेंद्र बोला, ठीक है अम्मा। फिर धीरे धीरे जाने लगा। उसका दो क्वेश्चन होगा, एक तेरी मम्मी का और सेठानी का। वो धीरे धीरे सुबह में चलने जा रहा था तो उसको एक मिथ्या दृष्टि साधु मिला। साधु बोला, अरे तू तो इतना छोटा है, चल के जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो बोला, मैं अपना गुरु के पास जा रहा हूँ, मैं हमारा मुनि महाराज के पास जा रहा हूँ। मेरा बिग क्वेश्चन है, मैं उसका शंका का समाधान करने के लिए मैं जा रहा हूँ। साधु बोला, अरे बेटा मेरा भी एक क्वेश्चन है, वो भी उसको पूछ के आना। साधु बोला, देखो मैं 50 साल से मिथ्यादृष्टि साधु बोला मैं 50 साल से भगवान का नाम ले रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, तप कर रहा हूँ, लेकिन भगवान मुझे कभी दर्शन नहीं देते और भगवान के साथ मेरा कुछ अटैचमेंट नहीं हो। वो प्रश्न बेटा जरूर पूछ के आना। तो क्या हुआ, राजेंद्र को 3 प्रश्न हो गए, एक अपनी मम्मी का, एक सेठानी का और साधु को। वो 3 क्वेश्चन याद करके वो धीरे धीरे चल रहा था। दूर से एक अच्छा बहुत बड़ा मंदिर उसको देखा, वो इतना खुश हो गया। फिर भगवान को दर्शन करके वो गुरु के पास गया। गुरु को नमस्तु किया और बोला, महाराज जी मुझे 3 मेरी शंका है, वो 3 शंका का समाधान आप करो। तो साधु बोला, हमारा मुनि महाराज क्या बोला? नहीं बेटा, मैं आपका 2 ही क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। तो राजेंद्र सोचता है, अरे मैं क्या करूँ? तो सोचता है, कोई बात नहीं, मैं अपना प्रश्न छोड़ देता हूँ और मैं जो 2 क्वेश्चन वो सेठानी और साधु का मैं पूछता हूँ। वो दूसरे वो महाराज जी को पूछता है, सेठानी का प्रश्न पूछता है और दूसरा प्रश्न साधु का पूछता है। तो महाराज जी को बहुत अंतर्यामी थे, वो बहुत नांदे, उसने दोनों प्रश्न का अच्छी तरह से जवाब दिया। फिर राजेंद्र तो इतना खुश होकर धीरे धीरे अपने गांव जाने लगा। तो जा रहा था तो साधु मिला। साधु बोला, बेटा मेरा प्रश्न का पूछ क्या है? साधु को आपने महाराज, हाँ देखो तेरे जटा में एक हीरा, बहुत बड़ा हीरा साधु आपने छुपाया है, इसलिए आपके पास भगवान के पास कुछ अटैचमेंट आपको नहीं हो रहा है। तो साधु बोला, वो तो सही बात है। उसने अपनी जटा खोली और जटा में से एक बहुत बड़ा हीरा था, वो हीरा निकाल दिया। फिर साधु सोचता है, वो तो मेरा उपकार ही है, इसलिए वो उसको हीरा राजेंद्र को दे दिया। तो राजेंद्र और धीरे धीरे जाने लगा तो सेठानी जी के घर पर आया। तो सेठानी जी को बोला कि देखो वो आ गया, मेरा प्रश्न का जवाब लेके आया। तो हाँ मैं लेके आई। तो वही टाइम उसकी लड़की आई, वो उसको पति को देखो, महाराज जी ने बताया कि जब वो लड़की उसका पति का मुंह देखेगी तब वो बोलने लगी। तो वो लड़की आई और जल्दी से बोलने लगी। तो सेठानी तो इतनी खुश हो गई। फिर सेठानी ने वो राजेंद्र के साथ उसका विवाह किया। वो माँ को एक ही लड़की थी, उसने बहुत सारी जवेरात दी, पैसा दिया, धन दिया, रथ दिए। फिर वो राजकुमार जैसा बन के अपनी माँ के पास आया। माँ को बोलने लगा, माँ देखती, अरे मेरा बेटा राजकुमार हो गया, उसकी तो शादी भी वो इतना रथ माल मिलकर लेके आए। तो इतना खुश हो गया। फिर उसने माँ ने अपने बेटे को आरती उतारी तो बेटा अपना सारा वृतांत सुना दिया। तो देखो उसमें से हमें क्या बोध मिलता है,
देखो राजेंद्र ने अपना प्रश्न नहीं बोला, अपना स्वार्थ छोड़ दिया और दूसरा का प्रश्न पूछा, इसलिए हमने निस्वार्थ भाव से दूसरा का कल्याण करना चाहिए। हम अपना स्वार्थ छोड़ देते तो अपना आप हमारा अच्छा हो जाता है, इसलिए हमको परोपकार करना चाहिए। जय जिनेन्द्र।